हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीरू स्टिचिंग में आपका स्वागत है। गाइस, आपको मैं ये आज एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज पे प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज फ्रंट पार्ट दिखा रही हूँ। पूरा ब्लाउज में स्टिच करके आपको दिखाऊंगी, मगर फ्रंट पार्ट में मैं आपको पहले स्टिच करके दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा स्पीड से दिखाऊंगी। जहाँ पे मैं थोड़ा कुछ समझा मुझे बताना है इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए गाइस, ये मैंने पहले मुझे फ्रंट पार्ट तैयार करना है, उसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मुझे इसमें करना क्या। तो गाइस, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये इसका ये तैयार कर लिया है नेक इसका। अब ये देखिए, इसके बाद मैं इसमें नीचे के दोनों पार्ट जॉइंट कर लूँगी। पूरे पार्ट पे पहले सिलाई कर लूँगी, उसके बाद दोनों पार्ट इसके नीचे के जॉइंट कर लूँगी। फिर मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताऊँगी कि हमारा अगर ये कढ़ाई से जुड़ा हुआ ये ब्लाउज़, तो मैं आपको इसमें कुछ बताऊँगी कि अगर ये नीचे एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज मेरा अगर कढ़ाई ऊपर नीचे आती है सिलाई में, तो हमें क्या करना चाहिए। उसका मैं आपको तरीका बताऊँगी कि कढ़ाई हमारी एक साइड से बराबर कैसे आए। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका पहले नेक तैयार कर लूँगी, दोनों साइड का ये पार्ट तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। गाइस देखिए, यहाँ पे नेक मैंने ये इसलिए एक्स्ट्रा ऊपर से कट करा है ताकि ये हमारा अच्छा लगे, वरना इसमें नेक अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। तो इसलिए इसका गला भी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने नेक ऊपर से थोड़ा कट करा, बोट नेक ही बनाया है और नीचे को डिज़ाइन कर दिया है। देखिए गाइस, अब जैसे कढ़ाई है ऊपर नीचे, जो नीचे की साइड में प्रिंसेस कट पार्ट में हो रही है, तो मैं आपको इसका बताती हूँ कि हमें करना क्या है। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं पिन लगा के इस तरीके से जॉइंट करूँ, ऊपर करूँ, तो भी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से मैं सिलाई करूँगी तो भी ये नीचे परफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, कढ़ाई हमारी नीचे के पार्ट में दोनों एक सा आए जिससे ब्लाउज अच्छा लगे, वरना इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो मैं इसकी फिनिशिंग अच्छी लाने के लिए मैं आप तो देखिए गाइस, इसमें मैं आपको इस तरीके से मैंने सिलाई नीचे से 3 इंच के करीब खोल ली है, और सिलाई खोलने के बाद देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, जो बीच वाला पार्ट से बैक साइड को पलटना है, और इसमें मुझे आधा देखिए इस तरीके से अगर मोड़ेंगे ऊपर से सिलाई देंगे तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे इसे बैक पार्ट को इस तरीके से फोल्ड करके इस पर आधा इंच की सिलाई चला देनी है मुझे बैक पार्ट से। तो कढ़ाई से मिलाते हुए देख लेंगे कि वहाँ दिख रहा है, और मैं इसमें आधा इंच की जब सिलाई चला दूँगी तो ये कढ़ाई से कढ़ाई की लाइन जो है बराबर में आ जाएगी, इससे हमारा ब्लाउज एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर हमारी कढ़ाई एक्स्ट्रा आती है बैक बीच के पार्ट में और साइड के पार्ट से नहीं मिलती, तो हमें ये वाला ट्रिक अपनाना चाहिए जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी गाइस। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारा कढ़ाई का ब्लाउज़ एकदम फ्रंट में बहुत अच्छा सा दिखेगा। अब मैं इसको जॉइन करके आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल फिनिशिंग से आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये एक इसमें ट्रिक अपनाई है जो आप भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर ये ट्रिक मेरी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी।